हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही भिंडी। शाही भिंडी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके लिए 250 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को दो बार पानी से धुला, उसके बाद उसको अच्छे से सुखा लिया, छलनी में रखकर उसका पानी अलग कर लिया। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल लिया है। सबसे पहले हम भिंडी को तलेंगे। तो ये भिंडिया मैंने ऊपर नीचे से इसके पार्ट काटे हैं, और बाकी छोटी छोटी भिंडियां हैं तो मैंने इसी तरह से रहने दी है। अगर बड़ी भिंडी है आपकी तो उसको आप दो पीस में काट सकते हैं। तो भिंडियों को हम तेल में डाल देंगे। तेल हमारा गर्म है, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। भिंडी हमारी फ्राई हो गई है, गैस बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे, छलनी में निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा तेल नीचे चला जाएगा। भिंडियों को हमने 2 मिनट फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर। एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। भिंडियों को निकाल के हमने एक बर्तन में रख लिया है। और अभी मसाला बनाने के लिए हमने 5 लहसुन की कलियां ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 साबुत लाल मिर्च, 4 बादाम, 7 से 8 काजू, 1 प्याज कटी हुई, टमाटर कटे हुए। पैन में हमने 1 चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा गर्म है, तेल में ये सभी चीजें डाल देंगे जो हमने ली हैं। ये सभी चीजें भूनने के बाद में टमाटर भी इन्हीं के साथ डाल देंगे। इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और इसको 2 मिनट हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ढक्कन लगाकर 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको बनने देंगे। सभी चीजों को हमने 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया था और ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ठंडा होने के बाद ही इसे पीसना है। सभी चीजों को हम जार में डालकर पीस लेंगे। इसका बारीक पेस्ट बना लें। मसाले को हमने पीस लिया है और बारीक पेस्ट बनाया है। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 चकरी, 1/2 चम्मच गरम मसाला। और अभी सबसे पहले हम पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम है और अभी इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को भूनने के बाद में तेज पत्ता, चकरी, गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और ये जो मसाला हमने पीस के रखा है इसको डाल देंगे। इसे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ये जो मसाले लिए हमने सभी डाल देंगे। 2 मिनट उबाल आने तक इसको पका लेंगे। ग्रेवी को हमने उबाल आने तक पका लिया है। इसमें भिंडी डाल देंगे, जो भिंडी हमने तल के रखी थी। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। और ये मैंने 100 ग्राम दही लिया है। दही को अच्छे से फैट लिया है, आप फिल्टर भी कर सकते हैं, छान भी सकते हैं। 1 चम्मच फ्रेश क्रीम ली है, इसको डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगाकर 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। भिंडी को हमने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लिया था। शाही भिंडी बनकर के तैयार है। बहुत ही अच्छी भिंडी बनकर के तैयार हुई है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।